हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जिसान अहमद में। और पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी बेसिक तरीके से प्रोबेबिलिटी को समझा, उसका डिफिनेशन देखा और एक दो क्वेश्चन भी हम लोगों ने उस पर किया था। तो आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे सामने क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द चांस डैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रेंडम विल कंटिन्यू 53 डेज। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है लीप ईयर का जिसमें क्या हो, 53 संडेज हो। ओके, तो सॉल्यूशन, लीप ईयर कंसिस्ट 366 डेज। ओके, तो यानी लीप ईयर क्या करता है, 366 दिन लेता है, ये हम लोग को मालूम है। और देयर फॉर दीज आर 52 फुल वीक्स, और उसके साथ क्या होता है, उसके पास 52 फुल वीक्स होते हैं और हैंस 52 संडेज एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। और जिसके पास क्या होते हैं, 52 संडेज होते हैं और 2 एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं। तो इसीलिए सो दीज 2 एक्स्ट्रा डेज कैन बी, वो दोनों एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकते हैं, हो सकता है मंडे ट्यूजडे हो, ट्यूजडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, या फिर सैटरडे संडे हो, या फिर संडे मंडे हो। तो यही आपका दो दिनों का जो कॉन्सेप्ट होता है यही बन सकता है, या फिर मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, इसी तरह करके 7 वे इसके बन पाएंगे। तो इसीलिए नंबर ऑफ इस क्या हो जाएगा, सिंपल स्पेस 7 हो जाएगा। और फ्रॉम दीज 7 केसेस द लिस्ट 2 आर फेवरेबल, दैट इज नंबर ऑफ इज इक्वल टू 2, हेंस रिक्वायर्ड चांस इज पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। वी नो डेट नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ एस 7, देन फाइनली आंसर 2/7। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम ए पीक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी एक 52 कार्ड के जो ताश होते हैं, ताश के जो 52 गड्डी होती हैं, उसके अंदर वन इज ड्रॉन एट रेंडम, एक ताश के पत्ते को हम क्या कर लेते हैं, रेंडमली निकालते हैं। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, तो राजा आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हेंस ए किंग कैन बी चूजन इफ इन 4 वेज, यानी राजा को निकालने के 4 तरीके हो सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ई क्या हो गया, 4 हो गया। बट ए कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 52 वेज, लेकिन कार्ड को ड्रॉन करने का तरीका जो है वे हो, वो क्या हो गया, 52 हो गया वे, इसलिए नंबर ऑफ इस सैंपल स्पेस क्या हो गया, 52 हो गया। हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ इस। फाइनली नंबर ऑफ ई का वैल्यू, नंबर ऑफ इस का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, फाइनली आंसर 1/13 आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।